गुजरात देश ना मूर मालिको एवं आदिवासी समाज ना कलाकार भाई बहनों ने जे आपनु स्वागत कर्यु એનો આભાર માનું છું। દિલ્હીની બોર્ડર ઉપર જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એક ઇમ્પ્રેશન એવી છે કે પંજાબ હરિયાણા પશ્ચિમ યુપી રાજસ્થાન પૂરતું મર્યાદિત આંદોલન છે। ના, આ આંદોલને રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ શરૂ કર્યો છે। માનનીય ડીકેજીને પ્રતિનું સ્વાગત કરું છું। એ ગુજરાતના ખેડૂતોના ગ્રુપમાં ભાગ લેવા ખાસ આવ્યા છે। આટલું કષ્ટ વેઠીને આખી રાત જાગીને સવારે રાજસ્થાનમાં સેવાદળના મિત્રો સાથે વાર્તાલાપ કર્યો। બટેટા ફેંકી દેવા પડે રોડ ઉપર, જે તે વખતે સાહેબ એવું કહેતા કે એક વખત બટાકો આમાં નાખશો તો ચિપ્સ નીકળશે, સોનું નીકળશે। બનાસકાંઠાના ખેડૂતો ટિકેટ સાહેબ આગળ પાલનપુરમાં બટેટા આપવાના સાહેબ ત્યાં પહોંચાડજો અને વડાપ્રધાનને કહેજો કે આ સોનું તમને મુબારક, રાજાના ભાવ પણ નથી મળતા, પીવાનું પાણી ધરોઈ ડેમ નજીક હોવા છતાં લોકોને નથી મળતું। આવા મુદ્દા લઈને ખાસ આપણી વચ્ચે નિકેત સાહેબ આવ્યા છે, એની ટીમને એમને હું આવકારું છું। ગુજરાત ગાંધી સરદારનું ગુજરાત, આ કોઈના બાપની માલિકી નથી, હિંમતથી ગુજરાતનો ખેડૂત બહાર આવ્યો છે। બોર્ડર ઉપર પણ 5000 કરતા વધારે કાર્યકર્તા ખેડૂતો ત્યાં ગયા હતા। મીડિયામાં ના આવે એવો અનુરોધ કે લોકો ત્યાં નથી જતા, એવું નહીં, મીડિયા મીડિયાનું કામ કરે, આપણે આપણું કામ કરવાનું છે, સરકારે સરકારનું કામ કરવાનું છે। હું ટીકેશ સાહેબને વિનંતી કરું કે આપણને આ અંગે બે શબ્દો કહે, પછી આપણે આગળ જવા શિસ્તબદ્ધ રીતે આગળ વધીશું। ધન્યવાદ। જય કિસાન, જય કિસાન। સન્માનિત મંચ और यहाँ पे जो आंदोलन की पहल करने वाले बहुत दिन से तलाश में थे कि गुजरात में कोई आदमी निकले, लेकिन जो नौजवान थे वो नहीं निकले, तो हमने जो बूढ़े शेर थे उन्हीं को ही निकाल दिया। ये आंदोलन जो पुराने अपने हल पाते हैं ना, पुराने जो रखे गए थे, जो पुराने ट्रैक्टर हो गए थे, ये आंदोलन उन्हीं से लड़ा जाएगा, पुराने औजारों से, उसी से ही ये पंजर गुजरात की धरती को पाड़ा जाएगा और यहाँ से एक नए आंदोलन का निर्माण होगा। ये नौजवान आगे आज मां अंबा का आशीर्वाद लेके गुजरात के इस कपाट से अंदर घुसे हैं। गुजरात के किसानों की आजादी की लड़ाई है, ये आजादी की लड़ाई, ये जंग जीतती जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। हम पूरी तैयारी करके पूरे देश से आए हैं कि गुजरात में जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, तो 20 मिनट के अंदर पूरा भारत बंद होगा। गुजरात के आजादी की लड़ाई है, गुजरात बंधन में है, इसको मुक्ति दिलवानी है। यहाँ प्रेस मुक्ति अभियान भी चलेगा, किसान मुक्ति अभियान भी चलेगा, जो नौजवान मुक्ति अभियान भी चलेगा, इनको निकाल लेंगे और इसी गुजरात से एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। ये गुजरात महात्मा गांधी की धरती है, ये गुजरात सरदार पटेल की धरती है, सरदार पटेल के नाम से बने हुए संस्थान उनके नाम बदले जाएंगे। अगर गुजरात में उनके स्टेडियम था तो बदले जाएंगे, अरे अगर बदलना है तो नया निर्माण करके अपना नाम रखो। ये नहीं चलेगा देश में, देश के किसानों की जमीन बेचने का काम करा जाएगा। मतलब यहाँ के 60 गांवों की जमीन बेची गई, उसपे खेती करेंगे आम की, मुंबई में रहने वाले लोग और गुजरात के गांवों में खेती करेंगे। ये नहीं होगा, उन गांव की भी जमीन वापसी दी जाएगी, वो लड़ाई लड़ी जाएगी, जमीनों पे कब्जा करा जाएगा उसी किसान का। फिर ये आंदोलन होंगे, यहाँ का जो MSP का सवाल है, जमीन बचाने का सवाल है, तीन कानून जो देश में आए हैं
उनको वापसी लेने का सवाल है। देश में आंदोलन चला हुआ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। दूसरा आंदोलन यह होगा कि दिल्ली जैसा आंदोलन हमको गुजरात में भी खड़ा करना पड़ेगा। यह आंदोलन तीन युग से लड़ा जाएगा। पहला होगा ट्रैक्टर, यह आंदोलन ट्रैक्टर पहला इस आंदोलन का हथियार होगा किसान का। अगर ट्रैक्टर है तो ये मान लो के जैसे मिलिट्री के पास में टैंक है, अगर ट्रैक्टर किसान के पास में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके सामने फिर कुछ नहीं आएगा। दूसरा है नौजवान ट्विटर से लड़ेगा। जो नौजवान फेसबुक ट्विटर इसको हैंडल करता है, नौजवान ट्विटर से लड़ेगा, खेत का किसान ट्रैक्टर से लड़ेगा और देश का जवान टैंक से लड़ेगा। तो ट्रिपल टी से ये देश का आंदोलन चलेगा। ये लड़ाई आज से शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में जाएंगे, दो दिन गुजरात में रहेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, मीटिंगें करेंगे, पंचायत करेंगे, किसानों से बात करेंगे, जवानों से बात करेंगे, यहाँ की प्रेस मीडिया से बात करेंगे। ये गुजरात के आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई आज से शुरुआत हो चुकी है। दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, न घबराने की जरूरत है। ये मुक्ति अभियान है, मुक्ति अभियान चलेगा। अगर गुजरात का किसान दिल्ली जाना चाहता है तो कितनी बड़ा वो है कि छुप कर यहाँ से जाता है, राजस्थान से बस पकड़ता है। इतना बड़ा आतंकवाद, आतंकवाद तो ये है यहाँ पे कि पूरा का पूरा नौजवान बंधन में है। आपका बंधन मुक्ति अभियान हो गए, आप आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर यहाँ को छेड़खानी करेगा तो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पे भी इनकी सरकार है, इनका एक भी एमएलए एमपी सड़कों पे नहीं निकलेगा अगर यहाँ के किसान को कुछ कहा जाएगा। तो ये आंदोलन आपको लड़ना पड़ेगा, यहाँ से शुरुआत होगी। बापू जी साथ में है और लोग भी साथ में आएंगे। जो जो लोग भी आंदोलन में हिस्सा लेंगे उन सबको आंदोलन से जोड़ा जाएगा। यहाँ कोई किसी पार्टी का, धर्म का, जाति का कोई वो नहीं है। ये सब किसान की आजादी की लड़ाई है। ये आजादी की लड़ाई मिलेगी। किसान जो गुजरात का किसान है, जो आलू का किसान है, पटाटो का किसान है, यहाँ पे बाजरे का किसान है, जो वेजिटेबल्स का किसान है, दूध का किसान है, उनको सबको रेट मिलेगा। ये आंदोलन उसका है। तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आपने बात सुनी, यहाँ पे एंट्री हुई, माँ अम्बा का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद दिया और आगे की अब लड़ाई की शुरुआत होगी। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, जय अम्बे। ये शुरुआत करके माँ अम्बे की जय अम्बे। इनको भी बड़ा मकान और सैलरी बढ़ेगी, इनकी भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। हम अपनी गाड़ी में बैठ लो जो कला